वेलकम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई एम हमदुर्रहमान जसरा और आज हम पढ़ेंगे एजेंसी। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मुझे इनक्रेज कीजिए, आपका बहुत शुक्रिया होगा। तो ये हम पढ़ेंगे जी, एजेंसी क्या है, कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये भी एक कंट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है जी प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। पढ़ते हैं जी एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइंड। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन। द पर्सन फ्रॉम होम सच एक्ट इज डन और हु इज रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। यानी कि एक बंदा जो है किसी बंदे की बिहाफ पर कोई काम कर रहा है, यानी एक जो असल मालिक है ना एक कारोबार का, बिजनेस का, वो बैठा हुआ लंदन, उसकी बिहाफ पर, उसके कोई टेक्सटाइल की फैक्ट्री है पाकिस्तान में, उसकी बिहाफ पर जो सियालकोट की जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है उसमें जो बंदा काम कर रहा है उसकी बिहाफ पर, वो बंदा क्या है, वो एजेंट है। और जिसकी असल में वो बिजनेस है जिस बंदे का, वो क्या है, वो प्रिंसिपल है। हु मे एम्प्लॉय एजेंट, यानी प्रिंसिपल के लिए क्या क्वालिफिकेशन ला की है, यानी कि एक बंदा, एक बच्चा जो है 5 साल का, वो क्या प्रिंसिपल हो सकता है, क्या वो किसी एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है? हु मे एम्प्लॉय एजेंट, इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल कौन हो सकता है, कौन बंदा एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है इनडायरेक्टली, प्रिंसिपल कौन हो सकता है। इसका दूसरा मतलब यह है कि प्रिंसिपल कौन हो सकता है, प्रिंसिपल के लिए क्या है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशंस क्या हैं एक प्रिंसिपल के लिए, हैं या उस शख्स के लिए हैं जो किसी एजेंट को क्या कर सके, एम्प्लॉय कर सके। और हु में भी एन एजेंट, एजेंट की भी यही क्वालिफिकेशन है। कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होती इस कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी पे के भी आप एजेंट को रख सकते हैं। एजेंट की अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस होती है बाय स्पोकन वर्ड्स और बाय रिटन वर्ड्स। इम्प्लाइड होती है आपके सर्कमस्टांसेस से, आपके एटीट्यूड से, आपके बिहेवियर से, ये शो हो कि आप ये चाहते हैं तो वो होती है इम्प्लाइड। अगर आप ये कहें बोलकर या लिख कर कि मैं ये चाहता हूँ तो वो होगी एक्सप्रेस। अगर आपके एटीट्यूड, बिहेवियर या सर्कमस्टांसेस ये शो करें कि आप ये चाहते हैं तो वो होगी इम्प्लाइड, ठीक है। तो ये नीचे डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी में यही बात की गई है। एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी की एक्सटेंट का क्या मतलब है, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो उसने अपने अपना प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया हो, लॉफुल कोई काम हो, कोई भी काम हो, तो वो कर सकता है, यानी लॉफुल काम कर सकता है, अनलॉफुल काम जो एजेंट है वो नहीं कर सकता, ठीक है। यानी अपने प्रिंसिपल की बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कोई भी लॉफुल काम कर सकता है। दिस इज द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है हद ऑफ एजेंट अथॉरिटी, के एजेंट की अथॉरिटी की हदूद क्या है, वो यही कर सकता है कि अगर उसको उसका कोई बिजनेस है किसी प्रिंसिपल का, उसमें कोई भी लॉफुल काम कर सकता है, उस बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट या मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लॉफुल काम कर सकता है। एजेंट्स अथॉरिटी इन एन एमरजेंसी, ये इसमें भी वही बात की गई है कि वो कोई भी काम कर सकता है अपने एजेंट के जो है ना, अपने प्रिंसिपल के मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए। सब एजेंट्स क्या होते हैं, सब एजेंट का कंसेप्ट ये है कि कोई भी बंदा जो एजेंट है उस एजेंट के आगे मजीद कोई एजेंट अगर वो अपॉइंट कर ले तो वो होता है, जो जो एजेंट के नीचे एजेंट होता है वो होता है सब एजेंट। तो क्या एक वेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब क्या है कि वो मजीद आगे सब एजेंट कब नहीं बना सकता या कब अपॉइंट नहीं कर सकता। एक एजेंट उस वक्त सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है जब उसको अथॉरिटी दी गई हो प्रिंसिपल की तरफ से। अगर उसको प्रिंसिपल की तरफ से कोई अथॉरिटी नहीं दी गई तो वो सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। तो सब एजेंट इसमें क्या है, एजेंट के नीचे जो एजेंट होगा ना उसको सब एजेंट कहेंगे। रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। एक बंदा जो है अगर उसने उसको अथॉरिटी है प्रिंसिपल की तरफ से कि तुम सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, तो अब जो सब एजेंट अपॉइंट हुआ है प्रिंसिपल की अथॉरिटी से हुआ है, तो जब वो प्रिंसिपल की अथॉरिटी से सब एजेंट अपॉइंट हुआ तो फिर सब एजेंट के जितने भी काम होंगे उनका जिम्मेदार होगा प्रिंसिपल और सब एजेंट जिम्मेदार होगा प्रिंसिपल को, यानी कि उनका रिलेशनशिप आपस में फिर लीगल हो जाएगा, आपस में लाइबिलिटीज पैदा हो जाएंगी। तो एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। अगर एक एजेंट को अथॉरिटी नहीं है कि तुम आगे मजीद एजेंट अपॉइंट करो और वो एजेंट अपॉइंट कर दे, तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये होगा कि अगर एजेंट ने विदाउट अथॉरिटी आगे एजेंट को अपॉइंट किया है तो फिर जो आगे सब एजेंट अपॉइंट हुआ है उसका और एजेंट का रिलेशनशिप ऐसा होगा जैसा प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, यानी उस सब एजेंट के एक्ट्स का जिम्मेदार वो एजेंट होगा प्रिंसिपल नहीं होगा। प्रिंसिपल पीछे बड़ा बंदा है, ठीक है, वो बिजनेसमैन है जो लंदन बैठा हुआ, वो प्रिंसिपल है। उसका आगे टेक्सटाइल में बिजनेसमैन, एक जो सियालकोट टेक्सटाइल फैक्ट्री है उसमें जो उसका बंदा बैठा है वो उसका एजेंट है।
यानी कि जो लंदन वाला बंदा है उसने एजेंट को, अपने एजेंट को ये अथॉरिटी नहीं दी कि तुम आगे मजीद सब एजेंट रखो। तो अगर एक यहाँ पर बैठा हुआ बंदा, सेल कोर्ट में बैठा हुआ बंदा आगे मजीद कोई एजेंट अपॉइंट कर दे तो वो होगा सब एजेंट। तीसरा बंदा जो अपॉइंट करेगा, एजेंट जो अपॉइंट करेगा वो सब एजेंट होगा। तो यानी कि उसने तो अब अथॉरिटी के बगैर अपॉइंट किया। तो अब जो एजेंट ने आगे सब एजेंट अपॉइंट किया है, वो सब एजेंट ना तो प्रिंसिपल को जवाब दे है और ना प्रिंसिपल उस सब एजेंट को जवाब दे है। क्यों? कि उसमें सब उसमें प्रिंसिपल की अथॉरिटी नहीं है, उसमें प्रिंसिपल की इजाजत ही नहीं है। अब जो सब एजेंट अपॉइंट हुआ है उसके जिम्मेदार, उसका उसके एक्ट का जिम्मेदार कौन होगा? उसके एक्ट का जिम्मेदार वो बंदा होगा जिसने उसको अपॉइंट किया है। उसको किसने अपॉइंट किया? उसको एजेंट ने अपॉइंट किया है, जो कि टेक्सटाइल फैक्ट्री में एजेंट है प्रिंसिपल का, और वो प्रिंसिपल जो लंदन बैठा हुआ उसका एजेंट है। अब जिम्मेदार है वो एजेंट, उस सब एजेंट के एक्ट का जिम्मेदार है वो एजेंट। यानी अब देखें उस एजेंट और सब एजेंट का जो एक रिलेशनशिप बन गया ना, तो वो किसका रिलेशनशिप बन गया? वो गोया कि एक प्रिंसिपल और एजेंट का जो जिस तरह रिलेशनशिप होता है, इस तरह उसका रिलेशन बन गया। यानी कि अगर उसने बगैर अथॉरिटी के अपॉइंट किया तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, वो उसका जिम्मेदार प्रिंसिपल नहीं होगा। तो रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि प्रिंसिपल की ड्यूली आप कह लें परमिशन से अपॉइंट हुआ, तो उसका उसके उसके एक्ट से जिम्मेदार प्रिंसिपल होगा उस कंसर्न एजेंसी में, उस कंसर्न बिजनेस में। एजेंट डिप्टी नेमिंग सच पर्सन, यानी कि अगर एजेंट ने उसको अपॉइंट करना है तो एजेंट पूरा एक मैन ऑफ जो ऑर्डनरी प्रूडेंस या जो डेलीजेंस का जो है ना, यानी काम करेगा। यानी कि एक बंदा जो है अगर मेंटल है या मेंटली अपसेट है, उसको तो आप सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। तो एजेंट की ड्यूटी है कि अगर उसने सब एजेंट अपॉइंट करना है तो वो मेंटली वो अपसेट ना हो, मेजर हो, और यानी कि अच्छा खासा यानी कि बात को समझने वाला हो, प्रूडेंस हो उसके पास हो, समझ हो, यानी कि कोई पागल बंदा अपॉइंट नहीं करना चाहिए उसको, उसको पूरी केयर करनी चाहिए अपॉइंट करने में। ठीक है, तो इसका रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन होती है तायद करना, यानी किसी 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 सेकेंड या थर्ड पर्सन के एक्ट की एक्ट को ऑन करना, उसको कहना कि जनाब ये बिल्कुल मैं इसको ऑन करता हूँ, मैं इसकी तायद करता हूँ, तो वो होता है रेटिफिकेशन। अगर आप उसको ओन नहीं करते या उसकी तायद नहीं करते तो बहुत ही तरदीद, वो क्या होता है, वो रेवोकेशन होता है। यानी रेवोकेशन और रेटिफिकेशन दो अलग अलग अपोजिट एक कंट्रास्टेड किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं। रेटिफिकेशन तायद होती है और रेवोकेशन उसकी तरदीद होती है। राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि अगर एक बंदा जो है वो किसी सेकंड पर्सन की बिहाफ पर कोई काम कर दे बताए बगैर, यानी उस बंदे को पता ही नहीं है, उसकी नॉलेज और अथॉरिटी के बगैर कोई काम कर दे, तो अगर जिस बंदे की नॉलेज के बगैर या अथॉरिटी के बगैर उस काम ने काम किया, वो होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसको देखा जाएगा कि जनाब आपकी बिहाफ पर इसने ये काम किया है, क्या आप इस काम को ओन करते हैं? वो कहेगा कि जनाब मुझे इस बात का इलम ही नहीं है, ना मेरी अथॉरिटी थी, मैं इसको ओन नहीं करता। ये तो हो गई रेवोकेशन। अगर वो ये कहे कि बिल्कुल मुझे नॉलेज तो नहीं था और मैंने इसको अथॉरिटी भी नहीं दी थी, लेकिन मैं इसको ओन करता हूँ, मैं इसको रेटिफाई करता हूँ, मैं इसके इसका जो उसने जो काम किया है इसको मैं कैरी ऑन करता हूँ, मैं इस बिजनेस को मुकम्मल करने की पूरा प्रॉमिस करता हूँ, तो इस सूरत में ये क्या है, ये रेटिफिकेशन है। ठीक है, तो अगर उसने जब ओन कर लिया, उसने जब रेटिफाई कर लिया, तो अब वो बंदा जिसने नाम इस्तेमाल किया था किसी बड़े का, तो अब वो बंदा एजेंट हो गया, और जिसने रेटिफिकेशन दी जिस शख्स ने, जो वो बड़े ने, वो बड़ा क्या हो गया, वो बड़ा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, यानी कि वो प्रिंसिपल हो गया और वो एजेंट हो गया। अब उनके दरमियान एजेंट और प्रिंसिपल का एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो चुका है, वो रिलेशनशिप जो है ना इस कंट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजन के तहत चलेगा। तो रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ये भी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में फर्क क्या, मैं आपको बता चुका हूँ। नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर वैलिड रेटिफिकेशन, हाँ, अगर एक बंदे को रेटिफिकेशन के जब मांगी मांगी गई तो उसको जो फैक्ट्स बताए गए वो गलत थे। ठीक है, फर्ज करें कि एक असलम नाम का बंदा जाता है किसी दुकानदार के पास, वो मेरा नाम इस्तेमाल करके उनसे कुछ चीज़ें लेता है, तो वो जो असलम नाम का बंदा उसके पास गया है ना, तो वो जानबूझकर दुकानदार मुझे नाम कोट कर देता है किसी अकबर का, कहता है कि अकबर आपके नाम पर आए, यानी कि ये क्या है, ये फैक्ट्स हैं, ये गलत फैक्ट है। तो अगर गलत फैक्ट की सूरत में मैं रेटिफिकेशन दे भी दूँ तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लीगल उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एक्ट ऑफ रेटिफिकेशन अनऑथराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि एक ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन बेसिकली सीरीज ऑफ इवेंट्स का नाम है। जब मोर देन वन इवेंट्स हूँ, अगर उनमें से मैं एक किसी एक इवेंट को भी ऑन कर लूँ, उसको रेटिफाई कर दूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने पूरी ट्रांजेक्शन को ऑन कर लिया, यानी किसी एक इवेंट को ऑन करने से पूरी ट्रांजेक्शन ऑन हो जाती है। रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजोर थर्ड पर्सन,
यानी कि एक एक अनऑथराइज्ड एक्ट हो, जिस एक बंदे ने काम किया जिसको मैंने अथॉरिटी नहीं दी थी, उसने मेरी बिहाफ पर कोई काम कर दिया और मैंने उसको रेटिफिकेशन दे दी, तो मेरी रेटिफिकेशन से अगर किसी थर्ड पर्सन को कोई नुकसान हो रहा है, किसी थर्ड पर्सन को, तो वो नुकसान मेर सिर्फ महज इसलिए कि मैंने उसको रेटिफाई कर दिया, इसलिए नहीं होगा। यानी कि मेरी दूसरे लफ्जों में, मैं किसी ऐसे अनऑथराइज पर्सन के एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता जिसकी वजह जिस रेटिफिकेशन की वजह से किसी बंदे को कोई नुकसान हो रहा हो। मैं ऐसी ऐसे ऐसे एक्ट ऐसे अनऑथराइज एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता जिसकी वजह से किसी थर्ड पर्सन को नुकसान हो रहा हो। सिंपल इज दैट। तो आगे आ जी रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। ऊपर हमने पढ़ा रेटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी, अब पढ़े रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि ये अथॉरिटी रेवोकेट कब होगी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी। या तो प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी को रिवोक कर दे, या एजेंट वो बिजनेस छोड़ दे, यानी कि रिनाउंस कर दे, गिव अप कर दे, छोड़ दे, बाय द बिजनेस ऑफ द एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, या तो वो बिजनेस कंप्लीट हो जाए। ये सारी सूरतें हैं जिनमें एजेंसी का कंट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी क्या है, प्रिंसिपल ने रिवोक कर दी अथॉरिटी जो उसने एजेंट को दी थी, या एजेंट ने बिजनेस छोड़ दिया, या बिजनेस कंप्लीट हो गया, या एजेंट मर गया, या प्रिंसिपल मर गया, या एजेंट और प्रिंसिपल दोनों में से कोई एक अनसाउंड माइंड हो गया, या प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया। ये क्या है, ये मुख्तसर सवाल आ सकता है आपके इम्तिहान में कि टर्मिनेशन ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की क्या क्या सूरतें हो सकती हैं। तो वो ये सूरतें हैं जो सेक्शन 201 में बताई गई हैं। तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। अगर तो वेयर एन एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी, द एजेंसी कैन नॉट इन द सेंटर ऑफ द सेम सब्जेक्ट बी टर्मिनेटेड द प्रिंसिपल। यानी कि अगर तो एक एजेंट का इंटरेस्ट है किसी प्रॉपर्टी में, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसकी एजेंसी का, उसको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। क्यों कि उसका उस एजेंट का इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, अगर उसको आप टर्मिनेट करेंगे तो उसका इंटरेस्ट जो है वो उसको नुकसान पहुंचेगा। तो लिहाजा आप उसको इंटरेस्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते, इसलिए कि जनाब इसका इंटरेस्ट है एजेंट का, ताकि इसका इंटरेस्ट मेरे पास रह जाए, और जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा तो ये इसका इंटरेस्ट ज़ाया हो जाएगा, या इसके इंटरेस्ट को मैं अपने काबू में ले लूँगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर उस प्रॉपर्टी या सब्जेक्ट मैटर में एजेंट का भी कोई इंटरेस्ट है, तो आप पहले उसको वो इंटरेस्ट वापस करेंगे, तब जाकर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को टर्मिनेट करेंगे, इलावा नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो व्हेन प्रिंसिपल मे रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी, किसी भी टाइम जो है वो अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है, लेकिन अगर उसका कोई इंटरेस्ट है एजेंट का, तो वो उसको देना, उसका देना पाबंद है, प्रिंसिपल पाबंद है उसको देने का। रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज, द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिम एज एजेंट फॉर द अथॉरिटी हैज बीन पार्टली। हाँ, एक एजेंट है, अगर उसने उस गिवन अथॉरिटी को पार्टली यानी कुछ हद तक उसने एक्सरसाइज कर लिया है। देखें, मैं एक एजेंट मुकरर करता हूं कि जनाब टेक्सटाइल फैक्ट्री में जो 1000 bales ऑफ कॉटन है ना, यानी कि 1000 bales ऑफ कॉटन है, वो आपसे मेरा एजेंट लेने आएगा। अब एक बंदा मेरा एजेंट है, वो चला जाता है लाहौर टेक्सटाइल उस फैक्ट्री में, वहां से उसने जाकर 10 bales ऑफ कॉटन ले ली, वो 10 bales ऑफ कॉटन लेकर वापस आ गया, तो क्या मैं अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को टर्मिनेट कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो पार्टली एक्सरसाइज कर चुका है मेरी इस एजेंसी को, मेरी इस अथॉरिटी को पार्टली एक्सरसाइज कर चुका है। अगर तो उसने 10 bales ऑफ कॉटन अभी तक नहीं लिए, वो घर से अभी तक नहीं निकला, तो मैं उसको नोटिफिकेशन दूंगा, उसको कॉल करूंगा कि जनाब यू आर नॉट माई एजेंट एनी मोर, आप मेरे अब एजेंट नहीं हैं, आपकी जगह पर मैं कोई और एजेंट रखता हूँ। तो उसको वहाँ पर जाने से पहले मैंने अगर रोक दिया, तो ये तो सूरत हुई ठीक वैलिड, अदरवाइज अगर उसने पार्टली एक्सरसाइज कर लिया, तो फिर मैं उसको कभी भी उसको रिवोक नहीं कर सकता जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कंप्लीट ना हो जाए। तो ये जो दी गई है ना, इसमें इलस्ट्रेशन ये भी पढ़ लें, जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको दी है वो भी ठीक है। कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय एजेंट। Where there is an express or implied contract that the agency should be continued for any period of time, the principal must make compensation to the agent or the agent to the principal as the case may be for any previous revocation or renunciation of the agency without sufficient cause. यानी कि एक time fix था कि हमारा contract of agency फिलहाल time तक चलेगा,
तो अगर एजेंट जो है उस वो दिल हार जाता है उस टाइम से पहले पहले, तो अगर वो छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ तो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल के साथ उसका जो प्रॉमिस था ना, उसकी सूरत में जो प्रॉमिस की वायलेशन की सूरत में प्रिंसिपल को जो लॉस हो रहा है वो लॉस देने का पाबंद होगा एजेंट। किसी किसी सूरत का भी लॉस हो सकता है। प्रिंसिपल जो है अगर वो उस पहले दिल हार जाता है, शिकस्त मान जाता है कि यार ना अब टाइम लंबा है काफ़ी, इस एजेंट के साथ मैं ज़्यादा नहीं चल सकता, हालांकि मुआहदा तो हो चुका है कि हम 5 साल आपस में इकट्ठे रहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, तो अगर प्रिंसिपल जो है वो उसको टर्मिनेट करता है एजेंसी को उस लिमिटेड टाइम पीरियड से पहले, तो अब वो एजेंट बेचारे का जितना भी कोई नुकसान हुआ, थोड़ा हुआ ज़्यादा हुआ, वो देने का पाबंद होगा कौन? प्रिंसिपल। नोटिस ऑफ रेवोकेशन एंड रिनंसिएशन, रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन ऑफ सच रेवोकेशन और रिनंसिएशन, अदरवाइज द डैमेज देयर बाय रिजल्टिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द एजेंट एज द केस में बी मस्ट बी मेड गुड टू द वन बाय द अदर। नोटिफिकेशन भी जाना चाहिए रेवोकेशन का, तो नोटिफिकेशन अगर नहीं दिया गया तो फिर जिस पार्टी का भी नुकसान होगा तो दूसरी पार्टी उसको कंपनसेट करने की पाबंद होगी। रेवोकेशन एंड रिनंसिएशन मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लॉयड, ये भी क्या हो सकता है, रेवोकेशन का नोटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लॉयड भी हो सकता है। तो उसके बाद व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू दैट पर्सन, द टर्मिनेशन अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड्स एजेंट टेक इफेक्ट बिफोर इट बिकम्स नोन टू हिम और सो फार एज रिगार्ड्स थर्ड पर्सन बिफोर इट कम्स नोन टू हिम। ए डायरेक्ट्स बी टू सेल गुड्स फॉर हिम एंड एग्रीज टू गिव बी 5%। ठीक है, इसमें ये सिंपल क्या है कि व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू थर्ड पर्सन, द टर्मिनेशन अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड द एजेंट टेक इफेक्ट बिफोर इट कम। हाँ, एक बंदा जो है वो मेरा एजेंट है, मैंने उसकी एजेंसी को रिवोक कर दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी तक उसको पता नहीं चला कि प्रिंसिपल साहब ने मेरी एजेंसी को रिवोक कर दिया। अगर उसको पता नहीं चला, जिस टाइम तक उसको पता नहीं चलता उसकी एजेंसी बरकरार है, वो एजेंट है मेरा, लेकिन जब उसके नॉलेज में आएगा, नॉलेज में आएगा कि मेरी एजेंसी रोक हो गई है, तो उस वक्त से वो मेरा एजेंट नहीं है। तो ये, हाँ, अगर मैंने उसकी एजेंसी को रिवोक तो कर दिया लेकिन अभी तक उसके नॉलेज में वो बात नहीं पहुंची, तो जब तक उसके नॉलेज में वो मेरी बात नहीं पहुंची तो उस वक्त तक वो मेरा एजेंट है, उस वक्त तक उसका जो भी काम होगा मैं उसका जिम्मेदार हूँगा। क्यों? उसके नॉलेज में अभी तक नहीं पहुंचा कि मैं आई एम नॉट एजेंट ऑफ दैट प्रिंसिपल एनी मोर, उसको कोई उसको नॉलेज नहीं पहुंचा। तो ये इलस्ट्रेशन पढ़ें, ए डायरेक्ट्स बी टू सेल गुड्स फॉर हिम, ए ने बी को कहा कि जनाब कि गुड्स बेचें मेरे लिए, एंड एग्रीज टू गिव बी 5%, और कहा कि मेरी ये चीज़ें जाकर बेचो, उन चीज़ों के ऊपर मतलब जितनी आप चीज़ें बेचेंगे उनके साथ मैं आपको 5% दूंगा, कमीशन ऑन द प्राइस फेट बाय द गुड्स, यानी कि उन गुड्स की सेलिंग से जो भी प्राइस हासिल होगी मैं उसका कमीशन दूंगा आपको 5%। ए आफ्टरवर्ड्स बाय लेटर रिवोक बीज अथॉरिटी, लेकिन ए बाद में बजरिया खत उसकी अथॉरिटी को रिवोक तो कर देता है। बी आफ्टर द लेटर इज सेंट, बी को लेटर सेंड कर दिया, बट बिफोर ही रिसीव इट, लेकिन उसने रिसीव करने से पहले पहले सेल्स द गुड फॉर 100 रुपीज़, यानी कि उस लेटर को रिसीव करने से पहले पहले बी बेचारा 100 रुपीज़ की चीज़ें फरोख्त कर चुका था। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तो रिवोक हो गया था बजरिया लेटर, लेकिन लेटर अभी तक उस तक पहुंचा नहीं, लेटर पहुंचने से पहले पहले वो 100 रुपीज़ की चीज़ें बेच चुका था। अब द सेल इज बाइंडिंग ऑन ए, सेल ए पर बाइंडिंग होगी एंड बी इज एंटाइटल्ड टू 5 रुपीज़ एज हिज कमीशन, यानी कि 100 रुपीज़ तक का जो एक उसका मुआहदा था, यानी 5% का, तो 100 रुपये को उसने चीज़ें बेची तो 100 रुपये का 5% कितना बनेगा? तो 100 रुपये का 5% 5 रुपीज़ ही बनेंगे ना, तो वो 5 रुपीज़ देने का पाबंद है ए, और बी उससे लेने का पाबंद है। बात की समझ आ गई। उसके बाद एजेंट ड्यूटी अंडर नेशनल एजेंसी पर प्रिंसिपल ऑन डेथ और इंसेनिटी, अगर प्रिंसिपल इंसेन हो जाए, जो उसकी डेथ हो जाए, तो इस सूरत में एजेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का पाबंद है। टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी, द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द एन एजेंट कॉजेस द टर्मिनेशन सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट्स अपॉइंटेड बाय हिम, द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द एन एजेंट कॉजेस द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट्स अपॉइंटेड बाय हिम।
यानी कि जब जब एजेंट से आप अथॉरिटी आप एजेंट की टर्मिनेट कर देंगे कि आप मज़ीद आगे साब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते, तो आपकी इस टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये होगा कि उसको उसने जितने साब एजेंट अपॉइंट किए थे वो भी टर्मिनेट हो जाएंगे। सिंपल इज़ दैट। इंशाल्लाह कल से हम पढ़ेंगे एजेंट्स की क्या ड्यूटीज़ हैं और इसमें प्रिंसिपल की क्या ड्यूटी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त।